वेलकम टू माई चैनल ट्रैवल टू बी हैप्पी। एंड आज हम जर्नी करने वाले हैं न्यूयॉर्क सिटी से नायग्रा फॉल्स की। इस टाइम हम हैं मिड टाउन मैनहट्टन में। सामने आप देख सकते हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, इट्स एन आइकन ऑफ न्यूयॉर्क। एंड मेरे राइट साइड पे है एमट्रैक का मोनीहान ट्रेन हॉल, जो कि अभी जनवरी 2021 में ही ओपन हुआ है। यहाँ से एमट्रैक की सारी ट्रेन्स चलती हैं सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक। तो यहाँ से हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से ट्रेन लेकर जाएंगे नायग्रा फॉल्स, और उस ट्रेन जर्नी में लगेंगे तकरीबन 9 घंटे। हमारी जो ट्रेन है उसका टाइम है सुबह 10:20, अभी 9 बज रहे हैं, तो अभी 1 घंटे से ऊपर का समय है। तो थोड़ा सा आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे और फिर आपको ट्रेन में ज्वाइन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये हॉल अभी पिछले 4-5 महीने पहले ही बना है, इसलिए इतना साफ़ सुथरा है। तो मैंने स्टारबक्स से अपने खाने के लिए लिया है ये टमेटो मोत्सरेला कैप्रीस सैंडविच, टॉल कॉफ़ी विद क्रीम एंड शुगर एंड कुकीज़, और इसकी कॉस्ट टैक्स मिलाकर है तकरीबन $12। न्यूयॉर्क सिटी में इससे सस्ता कुछ एक्चुअली एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। अपने बिजनेस क्लास वाली कोच में आ गया, और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2x1 की है। ऊपर है आपके रैक्स, और मैंने सीट पिक करी है ये 4A। तो ये जो हमारी ट्रेन है एम्पायर बिल्डर क्लास की है, और इसमें सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं, एक तो इकॉनमी और एक बिज़नेस। कई ट्रेन्स जो हैं जो दूसरे रूट्स पर चलती हैं उनमें फर्स्ट क्लास भी होती है। इकॉनमी क्लास और बिज़नेस क्लास में डिफरेंस केवल इतना ही है कि इकॉनमी क्लास में जो लेग रूम है वो थोड़ा कम होता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं बिज़नेस क्लास में जो सीट्स हैं वो लेदर सीट्स हैं। लेग रूम काफ़ी अच्छा है, सीट्स यहाँ पे रिक्लाइन होती हैं, ये रिक्लाइनर बटन्स लगे हुए हैं, और इसमें जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेज़ हैं वो आपको फ्री मिलते हैं। इकॉनमी क्लास का जो रिटर्न फेयर है वो है अबाउट $134, और जो बिज़नेस क्लास में मैंने फेयर पे किया है रिटर्न ट्रिप का वो है $270, तो ऑलमोस्ट डबल है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही जो सेम ट्रेन है प्री कोविड यहाँ से न्यूयॉर्क से टोरंटो जाती है, लेकिन अब बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस के कारण इस समय ये ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो नायग्रा फॉल्स ही है। सो होपफुली एक बार कोविड रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होंगी तो फिर से जो ट्रैवल है वो रिज्यूम होगा। अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन में कंडक्टर ने अनाउंसमेंट की थी कि ये जो ट्रेन है ये पूरी तरह से फुल है, जो कि मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। अभी कोविड के टाइम में भी लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, बट हो सकता है कि एक कारण ये भी हो कि नेक्स्ट वीकेंड मेमोरियल डे है, तो लॉन्ग वीकेंड के कारण लोग अपस्टेट अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हों या वेकेशन ले रहे हों। ट्रेन ने डिपार्ट कर दिया है, और टाइम अभी हुआ है 10:21। ट्रेन के डिपार्ट होने का टाइम था 10:20, तो अबाउट 1 मिनट के डिले से ट्रेन चल रही है। इस समय मैं अपने ट्रेन के बिल्कुल एंड में हूँ, और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बिज़नेस क्लास वाला जो कोच है वो सबसे लास्ट वाला कोच है, तो यहाँ से जो पीछे के व्यू छूटते जा रहे हैं वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है देखने के लिए। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा बिज़नेस क्लास जिसमें तकरीबन 20 सीट्स हैं, और जो नेक्स्ट जो कार है वो कैफ़े हैं जहाँ पर स्नैक्स या थोड़ा बहुत लंच की ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाद में देखते हैं यहाँ पर अगर कुछ वेजिटेरियन खाने की ऑप्शन है तो वो ट्राई करेंगे। एंड जर्नी अभी तक काफ़ी अच्छी चल रही है, तो मैंने अभी कैफ़े में जाकर खाने की ऑप्शंस देखी हैं। बेसिकली सारा प्री पैकेज फूड ही है, जिसमें वेजिटेरियन में एक वीगन बर्गर है, फिर सैंडविचेस हैं, जो कि मेरे को कुछ खास टेम्पटिंग लगे नहीं, इसलिए मैंने अपने लिए ये चीज़ एंड क्रैकर का प्लेटर लिया। मेरे टिकट में नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेज़ इंक्लूडेड हैं, तो कॉफ़ी साथ में फ्री मिली है, और मैं घर से अपने लिए 2 पराठे लेकर आया था, तो आई थिंक इतना खाना इट्स गुड इनफ फॉर मी। तो अभी हम पहुंच रहे हैं ऑल्बनी, न्यूयॉर्क
स्टेट की कैपिटल है। यहाँ पे जो स्टॉप है वो 10 मिनट का है और जो लोग यहाँ पर डी बोर्ड नहीं कर रहे हैं उन्हें उतरने की परमिशन है। जब ट्रेन रुकेगी मैं नीचे उतरकर आपको थोड़ा आसपास का व्यू दिखाता हूँ। तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं एक ही सीट पर बैठे बैठे, तो थोड़ी पैरों को भी स्ट्रेच करने का चांस मिलेगा। ऑल्बनी के एमट्रैक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शोर बहुत है और सामने से एक ट्रेन आ रही है। आई बिलीव ये न्यूयॉर्क सिटी की डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि यह स्टॉप थोड़ा छोटा है इसलिए मैं ज़्यादा दूर तो जाऊँगा नहीं, बस यहाँ स्टेशन पर उतर कर आपको यहाँ का व्यू दिखाना था। शोर के कारण मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरी आवाज़ कितनी आ रही होगी। तो वापस ट्रेन में चलते हैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना स्पेंड करते हुए, और फिर अगर आगे किसी स्टॉप पर नीचे उतरने की परमिशन हुई तो वहाँ उतर के फिर मैं आपको दोबारा व्यूज़ दिखाऊंगा। ट्रेन में देख सकते हैं कि जो इकोनॉमी क्लास या बिजनेस क्लास के बाथरूम हैं वो कॉमन है। बाथरूम ठीक है, छोटा सा है, साफ़ सुथरे हैं, फेयरली क्लीन। इस समय हम पहुंचे हैं रोम न्यूयॉर्क। समय हो रहा है तकरीबन 3 बजे। हमारी आधी जर्नी पूरी हो चुकी है। तो अभी जिस स्टॉप पर हम रुके हैं ये स्टॉप का नाम है सायराक्यूज, और यहाँ पर एक्चुअली सायराक्यूज यूनिवर्सिटी भी है और सामने ही ट्रेन स्टेशन के साथ साथ बस स्टॉप भी है, जहाँ पर अलग अलग सिटीज़ से जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी हो गया, फिलाडेल्फिया वगैरह हो गया, वहाँ से बसेज आती हैं। और यहाँ से बसेज एक्चुअली आगे बफलो जाती हैं और बफलो को फिर टोरंटो से भी कनेक्ट करती हैं। जो लोग अभी आगे जा रहे हैं उनके लिए ये लास्ट स्टॉप है, इसके बाद उन्हें नीचे उतरने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए अब मैं थोड़ी देर नीचे उतरा हूँ अपनी एक तो लेग स्ट्रेच करने के लिए और थोड़े सराउंडिंग्स को चेकआउट करने के लिए। यहाँ पर एक्चुअली ठंड है थोड़ी, आई थिंक टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होगा, और क्लाउडी होने के कारण हल्की हल्की विंड चलने के कारण थोड़ी सी ठंड हो गई है। तो इसलिए ज़्यादा देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है, वो भी खासकर तब जबकि मैंने कोई जैकेट वगैरह पहन नहीं रखी। तो अब मैं वापस अपनी ट्रेन में जाऊंगा ताकि ट्रेन मिस ना हो जाए। तो अभी हम पहुँचे हैं रॉचेस्टर, और इसके बाद 2 स्टॉप और हैं जिसमें से पहला बड़ा स्टॉप है बफलो का, और उसके बाद जो लास्ट स्टॉप इस ट्रेन का है नायग्रा फॉल्स का, जहाँ पर मैं भी डिबोर्ड आऊँगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने अपनी सीट चेंज करके लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आया हूँ, जहाँ पर मेरा सीट चेंज करने का पर्पस था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि फुल रिक्लाइन में बिजनेस क्लास की सीट कैसे लगती है और लेग रूम कितना। अगर आपने कभी प्रीमियम इकोनॉमी ट्रेवल किया है फ्लाइट से तो आप नोटिस करेंगे कि रिक्लाइनर है और जो लेग रेस्ट है वो सिमिलर है, बट इसमें सीट्स की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है क्योंकि सीट्स थोड़ी वाइड हैं और लेदर सीट्स हैं। तो ये एक बेनिफिट है बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करने का। अगर मुझे चांस मिला तो मैं इकोनॉमी क्लास में जाकर आपको उसका भी व्यू दिखाऊंगा कि सीट्स कैसी हैं। तो इस समय मैं आया हूँ इकोनॉमी क्लास वाले सेक्शन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो सीट्स हैं वो 2x2 कॉन्फ़िगरेशन की हैं। लेग रूम बिज़नेस क्लास के मुकाबले थोड़ा कम है, और जो सीट्स हैं वो कुशन सीट्स हैं और इनके बीच में डिवाइडर नहीं है। तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ में कोई भी नहीं है तो आप पूरी दोनों सीट्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जो कि अब बिज़नेस क्लास की सीट से भी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। लेकिन जब हमने ट्रेन की जर्नी शुरू की थी तो कंडक्टर ने अनाउंसमेंट की थी कि पूरी ट्रेन फुल है, तो इसलिए आपका अकेले बैठने के चांसेस खैर काफ़ी कम थे। लेकिन अब जैसे ट्रेन के आखिरी 2 स्टॉप रह गए हैं तो इसलिए ट्रेन लगभग खाली हो चुकी है। तो अगर आप 8-9 घंटे खास करके कोविड के टाइम में किसी स्ट्रेंजर पैसेंजर के साथ में बैठ सकते हैं, या अगर आपको लेग रूम की इतनी परवाह नहीं है तो इकोनॉमी क्लास की सीट बेटर है क्योंकि ये सस्ती भी है। यहाँ से अब हमारी जर्नी की आखिरी लेग शुरू हो गई है। यहाँ से नायग्रा फॉल्स पहुँचने में तकरीबन 35 मिनट लगेंगे। ओवरऑल जर्नी की बात करूँ तो जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल थी और ट्रेन की सीट्स काफ़ी अच्छी थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। सुबह जर्नी शुरू करने से पहले लग रहा था कि 9 घंटे बैठे रहना मुश्किल होगा, बट लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रास्ते में सीनरी बार बार बदल रही थी जिसकी वजह से बोर्डम नहीं हुआ। कुछ ही देर में ट्रेन नायग्रा फॉल्स स्टेशन पर पहुंचेगी, जो कि इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप है। इस समय आप देख रहे हैं नायग्रा रिवर, जो कि नायग्रा फॉल्स से आ रही है।
इस जर्नी में मैंने एक बात रियलाइज़ करी कि पिछले 15 साल में मैंने कई बार बस से या फ़्लाइट से न्यूयॉर्क स्टेट को क्रॉस किया है, लेकिन अगर आप सही में न्यूयॉर्क स्टेट की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ट्रेन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो ट्रेन है वो बहुत छोटे छोटे शहरों से होकर गुज़रती है और ये व्यू आपको ना तो फ़्लाइट से मिलता है और ना ही बस से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कॉमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।